टेंथ क्लास बेटा, आज हम मिरर फार्मूला और उसकी वजह से मैग्नीफिकेशन उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले हमने लास्ट टाइम जो रूल्स के अकॉर्डिंगली इमेज बनाई थी उस चीज़ के ऊपर आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ए बी के बराबर है और वहाँ से कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है, डेट विल पास थ्रू द फोकस एंड द अदर रे विच एंटर या पासिस थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये दोनों लाइन्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, उस वजह से आपके पास जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी। वो पॉइंट यहाँ पर पी डैश है। तो ए डैश से लेकर बी डैश जो है हम यहाँ पर डायग्राम में इमेज शो कर रहे हैं ए बी ऑब्जेक्ट की। अब इनके नाम बना लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है उसको हम यू मान लेते हैं, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वी मान लेते हैं, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एफ मान लेते हैं। इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंगली जो आपके पास मिरर फार्मूला आएगा, वो मिरर फार्मूला क्या होता है उसको आपने याद रखना है एज इट इज। 1/u + 1/v = 1/f। फिर से बोल रहा हूँ, u क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड f इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट थिंग इज द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वे ये बताती है कि साइज ऑब्जेक्ट का कितना इंक्रीज हुआ है। सो मैग्नीफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो डायग्राम में दिख रहा है साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश के बराबर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी के इक्वल है, और इन दोनों को आगे सिंप्लीफाई करते हैं द आंसर विल बी -v/u। यहाँ पे टर्म माइनस में क्यों लगी है? बिकॉज जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं डेट इज पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेते हैं डेट इज नेगेटिव। डेट्स वाई कि देयर इज अ साइन ऑफ नेगेटिव। तो इस फार्मूला को अपने याद करना है, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन को याद करना है। इसके साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा। तो इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है और लर्न भी करना है।